मसाला दूध। हिंदुस्तान के हर घर में जब भी ठंड के दिन शुरू होते हैं तब काढ़ा हुआ मसाला दूध तो घर में बनना ही बनना है। तो आज अश्मोद किचन में हम बना रहे परफेक्ट वाला ऐसा मसाला दूध। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अश्विनी और आप सभी लोगों का आपके इस चैनल अश्मोद किचन में बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर ना मैंने मसाला दूध बनाने का प्लान किया है, तो चलिए देखते हैं मसाला दूध कैसे बनता है। तो ये मसाला दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। उसके बाद एक मसाले को मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है। इस मसाले को बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस ऑन करके उस पर एक पैन रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 9 बादाम, 9 से 10 काजू, 9 से 10 पिस्ता और 1/2 टेबल स्पून चिरौंजी के लिए है। और इन सब को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हुए हैं, तो हम इसको साइड में निकाल के लेते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स ठंडा होने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स हम एक इमाम दस्ते में डालेंगे और उसी में थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स यानी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी मैंने उसमें डाल ली है और इन सब को हमें दरदरा कूट लेना है। यहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालना ऑप्शनल है और अगर आपके पास इनमें से कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सब मसाला ऐसे बारीक कूट के लिया है। अभी हम इसको साइड में निकाल के एक बाउल में लेते हैं। ये हुआ हमारा ड्राई फ्रूट वाला मसाला रेडी। उसके बाद 3 से 4 इलायची का पाउडर मैंने लिया है, 4 टेबल स्पून चीनी लिया है और गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स, चॉप्ड पिस्ता, चॉप्ड बादाम भी लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो आप गार्निश करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से केशर लिए हैं, उससे दूध का कलर तो आता ही है बट केशर के हेल्थ बेनिफिट्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और मैंने यहाँ 2 पिंच हल्दी का पाउडर लिया है क्योंकि हल्दी दूध बहुत ही हेल्दी रहता है। और लास्ट को इसमें से थोड़ा जायफल उसमें मैं ग्रेट करके यूज़ करूँगी। तो ये मसाला दूध बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रखी है। अभी हम उसमें डालेंगे दूध। इस दूध को हमें अच्छे से एक उबाल आने देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस दूध को अच्छे से उबाल आया है। इस स्टेज में गैस का फ्लेम पूरा लो करके हमें उसको स्टर करते रहना है। यहाँ हमें दूध को अच्छे से काटना है तभी मसाला दूध अच्छा गाढ़ा बनता है, क्योंकि काढ़ा हुआ दूध का मसाला दूध ना बहुत टेस्टी लगता है। 2 मिनट के बाद मैंने उसमें डाला है केशर और फिर से स्टर करना स्टार्ट करना है 10 मिनट के लिए। दिख रहे हैं ना, केशर का कलर एकदम बढ़िया उसमें उतर रहा है दूध में। अभी 10 मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हो कि दूध का कलर कितना बढ़िया आया है। इसी स्टेज में हम उसमें डाल रहे हैं जो ड्राई फ्रूट का मसाला हमने प्रिपेयर किया है ना, वो डालना है और उसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है और उसमें हमें डालना है चीनी। आप अगर दूध को ऐसे अच्छे से काढ़ के लेते हो तो चीनी की मात्रा मैंने जितनी ली है उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा मसाला दूध भी पीने में मज़ा नहीं आता है। इस स्टेज में हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी का पाउडर और हमें फिर से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको स्टर करते रहना है। अभी 10 मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध अच्छे से गाढ़ा हुआ है। हमें एक्चुअली यहाँ बहुत ही बासुंदी जैसा इसको गाढ़ा नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। अभी इसी स्टेज में मैंने उसमें डाला है इलायची का पाउडर, उसको अच्छे से स्टर करना है फिर से एक बार। और सबसे लास्ट इसमें जाएगा ग्रेट किया हुआ जायफल पाउडर और इसको भी एक बार हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अभी यहाँ इसी स्टेज पे इतने कंसिस्टेंसी पर हमारा मसाला दूध बन के रेडी है। यहाँ हम करते हैं गैस को बंद और दूध को मस्त बढ़िया तरीके से सर्व करते हैं। आपको ये मसाला दूध की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आपके इस चैनल अश्मोद किचन को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और उसी के साथ रेसिपीज पर लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। मसाला दूध बनाते वक्त ना मुझे मेरे बचपन के दिन याद आए। जनरली इस टाइम में ना हमारे स्कूल के मिड ईयर एग्जाम्स रहते थे, तो जब भी हम स्टडी के लिए लेट नाइट जगते थे तो इस पूर्णिमा के दौरान हम ये मसाला दूध का आनंद जरूर उठाते थे।
तो आज कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर आप ये मसाला दूध की रेसिपी घर में जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी मसाला दूध की रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए मिलते हैं और भी सुपर डुपर रेसिपी के साथ, तब तक धन्यवाद।